हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों से उन 5 यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया है मेरे MBBS के कोर्स में, एज वेल एज मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे जूनियर्स के लिए बना रहा हूं जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक हैं, क्योंकि फिफ्थ ईयर या सिक्स्थ ईयर जो लास्ट के 2 साल होते हैं FMGs के लिए, वो लोग अपने आप प्रेप लेटर, मैरो या फिर FMG के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बट ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको अभी से बेसिक, एटलीस्ट बेसिक समझ में आना चाहिए, सो दैट जब वो खुद के FMG के प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे उनको हेल्प हो। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूंगा जिसमें जो भी नॉलेज है या जो भी चीज़ें हैं वो इतना कॉम्पैक्ट है, इतना अच्छा है कि वो आपको लास्ट मोमेंट के लिए, जब आपका फॉर एग्जांपल सोचिए क्लास में कुछ टॉपिक बताया गया हो और आपने उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं किया है, तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो एटलीस्ट आपका वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। कम से कम आप क्लास में जाके कुछ बोल पाओगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला चैनल है निंजा नट। ये चैनल इतना ज्यादा अच्छा है, इस चैनल में आप लोगों को फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एज वेल एज उस फिजियोलॉजी का पैथोलॉजी पूरा का पूरा 100% अच्छे से समझ में आएगा। इस चैनल में जैसे कि मैं आपको दिखाता, ये रहा निंजा नर्ड, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा हर्निया, ब्रोंकियोएक्टासिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इरिटेबल बाउल डिजीज जितने भी है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इस चैनल में आप लोगों को फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और अगर एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ भी वो आपको समझाने जैसा होगा तो उसमें वो एनाटॉमी भी ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल आप सोचिए डायबिटीज मिलिटस, तो ये डायबिटीज मिलिटस में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से निकलता है, कौन सा सेल्स होता है, कैसे बनता है, मतलब एक पूरा फिजियोलॉजी। उसके बाद फिर पैथोलॉजी, वो फिजियोलॉजी समझाने के बाद फिर पैथोलॉजी की क्या चेंजेस आया जिसके वजह से ये डायबिटीज मिलिटस हुआ। या फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर, तो रेस्पिरेटरी फेलियर में ना ही सिर्फ रेस्पिरेटरी फेलियर बट जो एनाटॉमिकली जो नर्व इनर्वेशन होता है जहाँ से आता है जहाँ से जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पूरा अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद फिर उसका पैथोलॉजी जिस वजह से ये चीज़ हुआ, जो रेस्पिरेटरी फेलियर या वल्बुलर हार्ट डिजीज या हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। फिर सेकेंड चैनल है आर्मेंडो हेसुडंगेन, अभी पता नहीं मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, AH, शॉर्ट फॉर्म AH। ये चैनल इतना ज़्यादा परफेक्टली चीज़ें बताता है, इसमें ऐसा निंजा नर्ड की तरह 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस नहीं है। निंजा नर्ड में क्या था, आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से बताया जाएगा, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक डिजीज अगर आपको जानना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको जानना है तो उस चीज़ का पैथोफिजियोलॉजी, पहले फिजियो उसके बाद उसका पैथो, दैट्स इट। ये सारे वीडियोस में कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ड्रग्स के बारे में, कोई सर्जिकल चीज़ों के बारे में नहीं है, ये है बेसिक आपका नॉलेज समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, तो इसमें सिर्फ हेपेटाइटिस के बारे में बताया जाएगा, किडनी या फिर लीवर या फिर लीवर का कोई इनर्वेशन, नर्व इनर्वेशन वो सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट हेपेटाइटिस के बारे में। या फिर दूसरा आप लोगों को यहाँ दिखता है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोटोजोआ या फिर व्हाट इज पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ, स्पेसिफिक। वहाँ पर क्या था निंजा नर्ड में, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि व्हाट इज पर्ट्यूसिस तो वो पूरा का पूरा आपको उसका फिजियोलॉजी या फिर वहाँ पर ऐसे ये नहीं रहेगा, वहाँ पर पर्ट्यूसिस वहाँ पर पैथोलॉजी के बारे में नहीं रहेगा, यहाँ पर बेसिकली पैथोलॉजी के ऊपर है, जो डिजीज हुआ है वो डिजीज के ऊपर है, वहाँ पर क्या है डिजीज का फिजियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों है। फिर तीसरा हो गया जीरो टू फाइनल्स, ये वाला सेम AH की तरह ही है, इसमें भी आप लोगों को फुल पैथोलॉजी के बारे में रहेगा कि कोई एक टिपिकल स्पेसिफिक डिजीज, वो डिजीज के बारे में है, उस चीज़ को वो आता कैसे है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ये वाले चैनल में स्पेसिफिकली आपको एक डिजीज और उसके सिम्टम्स के बारे में ज्यादा बताया जाएगा, ना ही कि वो स्टार्ट कैसे होता है, ना ही कि उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी, बट उस डिजीज को समझने का तरीका, कैसे करके हमको वो सिम्टम्स दिखेगा, क्या क्या सिम्टम्स होगा, कैसे कैसे कितने दिन में क्या क्या सिम्टम्स चेंज होगा। इसमें ये वाले चैनल पे मैक्सिमम चीजें जो है वो सिम्टम्स के ऊपर है कि क्या क्या सिम्टम्स बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या दिखेगा, ये चैनल में वो है। देन फोर्थ, न्यूक्लियस मेडिसिन मीडिया। न्यूक्लियस मेडिसिन मीडिया में आप लोगों को फुल्ली एनिमेटेड आपको सारे के सारे डिजीज, यहाँ पर इसमें ये नहीं है, इसमें कोई पैथोलॉजी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में नहीं है, कोई सिम्टम्स के बारे में नहीं है, कोई फिजियोलॉजी के बारे में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है हाउ थिंग्स वर्क,
इसमें क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम चीजों में इसमें बताया जा रहा है कि कैसे चीजें काम करती है, या फिर अगर कोई पैथोलॉजी हुआ तो फिर कैसे वो काम करता है, वो कम्प्लीटली आपको एनिमेटेड के तरीके से बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हियरिंग लॉस ड्यू टू नर्व डैमेज, तो कैसे करके एक नर्व डैमेज होने से हियरिंग लॉस होता है, कहाँ से क्या जाता है, कौन सा वेव जाता है, या फिर हाउ योर बॉडी मेटाबोलाइज मेडिसिन, या फिर आप नीचे जाके देख सकते हैं और भी है, हाउ योर बॉडी गेट रीड ऑफ मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी का एक फंक्शन है, कैसे बॉडी में क्या क्या काम होता है कैसे करके। क्वेश्चन है हाउ इट इज डन, ये वाला चैनल होता है हाउ, कैसे, क्वेश्चन ये चीज़ पूछा जाता है इस चैनल में। और फाइनली फिफ्थ चैनल का नाम है रिसर्च मेडिसिन। ये रिसर्च मेडिसिन भी आप लोगों को वो जीरो टू फाइनल्स या AH की तरह ही लगेगा, यहाँ पर भी सेम आप लोगों का वैसा ही चीज़ें हैं कि एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में पूछा गया है, बताया गया है और उसको एनिमेशन के द्वारा बताया गया है। बट इसमें एक चीज, इसमें क्या है, कोई भी वीडियो 12 मिनट 13 मिनट से बड़ा नहीं है, ये हो गया एकदम रैपिड, एकदम स्मॉल, कि जैसे ही आपको पता है कि आपको कल COPD है, या फिर आपको कल मेनोपॉज के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपको कल हार्ट मर्मर के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर कौन से मर्मर वाले पॉइंट्स हैं, सिर्फ स्पेसिफिक वही चीज़ें के बारे में है, डायरेक्ट बस में बैठे बैठे या क्लास में घुसने से 5 मिनट पहले अगर 2x में देख लिया तो आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट कुछ बोल पाओगे वहाँ पर अंदर जाने के बाद। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको कोई फिजियो या कोई पैथो या फिर कोई डिजीज या फिर कोई सिम्टम्स जैसे बाकियों में था अच्छे से समझा के, ये वैसा नहीं है, ये हो गया कि रैपिड रिवीजन का भी रैपिड रिवीजन, जल्दी 5 मिनट के अंदर देख लो क्या क्या है क्या क्या नहीं, स्पेसिफिक चीज़ें, एक एक पॉइंट, निमोनिया देख लिया, मल्टीपल माइलोमा देख लिया, कितना है 10 मिनट का है, निमोनिया 6 मिनट का है, 6 मिनट के अंदर आपको निमोनिया में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या आता है, बात हो गया देख लिया। लास्ट में एक एक्स्ट्रा में बता रहा है, ये कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, ये पढ़ने लायक नहीं है, ये कैसा है, ये हो गया आपका कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उन लोगों का कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को हो सकता है जल्दी समझ में ना आए, बिकॉज आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपके दिमाग में अगर आया कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स के बारे में, आपने ऑप्टा में पढ़ा कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, या फिर ये गेट एग्जाम या फिर लोअर लिम रिफ्लेक्स कैसे दिखता है, इसलिए इस चीज़ को मैंने वो top 5 यूट्यूब चैनल्स में नहीं रखा है जो आपको पढ़ने में आपके बेसिक नॉलेज के लिए हेल्प होगा। बट ये हो गया कि अगर आपको बस जानना है, अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है कि कैसे करके कुछ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है या कैसे क्लिनिकली डायग्नोसिस करते हैं, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। ये चैनल में आप लोगों को कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, बट इसमें क्या है कि कैसे एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कैसे किया जाता है, क्या क्या यूज होता है, वो सब चीज़ों के बारे में है इसमें। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप ये पांचों के पांचों चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं पहले ही बता रहा, बट ये चैनल ने मुझे बहुत हेल्प किया बहुत चीज़ों को समझने के लिए, जो लास्ट मोमेंट में क्लास में घुसने से पहले जो मैं ये वीडियोस देखता था तो मुझे बहुत सी ऐसे चीज़ें समझ में आती थी, या फिर जब टीचर कुछ बोलते थे तो समझ में आता था कि हाँ बोला है। ऐसा भी हुआ है कि क्लास में कोई एक ऐसा COPD या जो भी चीज़ें जो है बताया गया बट मुझे नहीं समझ में आया, अब मैं अगर मैरो प्रेपलेटर लेके बैठूं तो उसमें एक एक घंटे का वीडियो है, इसमें क्या है एनिमेटेड या फिर ऐसे ही दिखा कर कि कहाँ से क्या घुसता है क्या नहीं, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज मुझे समझ में आ गया, एक बेसिक चीज़ समझ में आ गया, जो चीज़ मैं विकिपीडिया से गूगल से पढ़ के देखूँ उससे बेटर है कि मैं वीडियो देखूँ, ये ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इन पांचों चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।